देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, अब प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने क्या लेना है, जैसे कोई भी स्टोन है, पत्थर का टुकड़ा ले लिए, उस पत्थर को हमें थ्रो करना है। सिर्फ जो पत्थर हम फेंक रहे हैं ना, चाहे वो पत्थर फेंक रहे हैं या फिर ये मार्कर को ही थ्रो कर दो, जो चीज़ को हम फेंक रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। प्रोजेक्टाइल का मतलब सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंक रहे हैं। ठीक है, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका, थ्रो किया, तो उसने एक पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड के ऊपर गिर गया। तो जो उसने पाथ फॉलो किया, मान लो स्टार्टिंग में अगर वो इस तरह से नीचे खड़े होकर थ्रो किया हमने ग्राउंड पे, तो इस ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ गया, उसके बाद ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, या फिर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को आगे की तरफ फेंका, तो वो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, इस तरह से यही होगा ना। तो इसके जो पाथ है ना, इस पाथ का नाम फिजिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के क्या रख दिया, ट्रांजेक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल इजी से दो वर्ड्स हैं, एक तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट और एक उसका रास्ता। ठीक है, बट इसमें थोड़े से दो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स उनको रिप्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर दिया, प्रोजेक्टाइल से, उसके पाथ को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रांजेक्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है। An object thrown with initial velocity, which is then allowed to move under the action of gravity alone is known as projectile। समझ गए? ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करते हैं और उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर मूव करता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टार्ट करो, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रांजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड ट्रांजेक्ट्री। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, जो सबसे फर्स्ट टाइप होगी वो यहां पे होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फायर्ड या ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो जैसे ये ग्राउंड हो गया, ये कोई भी हमारे पास एक बिल्डिंग हो गई जिसकी कोई हाइट दी मिलेगी, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, दो केसेस पढ़ने हैं। एक तो हम ग्राउंड पे, जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ से इस मार्कर को फेंक दूंगी, थ्रो कर दूंगी, एक केस। दूसरा, मैं टेबल के ऊपर चढ़ के और फिर मार्कर को थ्रो करूंगी, दो ही केसेस हैं बस। तो पहले में हमने एक हाइट के ऊपर चढ़े और एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, तो इसने जो थ्रो किया ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा फेंका है, इसने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। ठीक है, अब मान लो अगर ग्रेविटी होती ही नहीं, तो ये जो मार्कर मैं ऐसे फेंकूंगी ना बिल्कुल सीधा, तो कहाँ पे जाके गिरेगा अगर ग्रेविटी ना हो, तो बिल्कुल सीधा जाएगा ना,
सीधा चलता जाएगा, जहाँ पे इसको ऑब्स्टेकल मिली वहाँ पे ये हिट कर जाएगा, बट नीचे इसको ग्रेविटी खींच रही है, इस वजह से ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं जाएगा। आगे सीधा जाना चाहता, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, सीधा जाना चाहता, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो इसकी वजह से जो इसका पाथ होगा कुछ इस तरह का होगा। ये जो कंपोनेंट है देखो, ये आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी जा रहा है, आगे भी चला गया एक्स एक्सिस में और नीचे भी आ रहा, आगे गया नीचे आया। नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ये जो ग्राफ है इसकी शेप कैसी है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी। तो हेडिंग डालो शेप ऑफ पाथ, शेप ऑफ पाथ, जो पाथ इन्होंने बनाया है उसकी शेप बतानी है हमें। तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? अलोंग एक्स एक्सिस मान लो यहाँ पे ये है एक्स इज इक्वल टू, जो इक्वेशन हम बनाएंगे क्या फॉर्मूला होता है, तीन इक्वेशन होती है ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सेकेंड, हाँ, और थर्ड वाली वी स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, ये तीन इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पे यूज करना है सेकेंड वाली इक्वेशन। सेकेंड वाली इक्वेशन क्यों यूज करनी है, एक बार दोनों कंपोनेंट देखो फिर अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एस की जगह हम लिखेंगे एक्स, एक्स मतलब जो इस पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है उसका नाम हमने दे दिया है एक्स, सिंपली कि ओरिजिन से स्टार्ट किया और वो गिरा कहाँ पर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर। तो यहां पे एक्स यू टी, इसको शुरू में लिख लो जीरो एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये जो मैंने लिख दिया ना जीरो एक्स, इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड, जैसे इस पर्सन ने यहां से फेंका था उसकी इनिशियल स्पीड। ठीक है, अब लिखो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की एक्स, इनिशियल स्पीड थी उसकी यू, टाइम कितना था टी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना एक्सेलरेशन है, अलोंग एक्स एक्सिस कितना एक्सेलरेशन है, जीरो। क्यों? अभी तो ग्रेविटी की उसमें ग्रेविटी ही है ना। प्रोजेक्टाइल हमने क्या बोला, जब किसी भी पार्टिकल को हम सीधा थ्रो करेंगे तो वो नीचे क्यों आएगा, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया जीरो, तो यहाँ पे लिख सकते हो याद रखने के लिए ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए वाई इज इक्वल टू जी। पॉजिटिव जी लेंगे क्यों, क्योंकि पार्टिकल भी नीचे जा रहा है और ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रही है, दोनों एक ही तरफ है। तो यहाँ से आ गया जीरो, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला आ गया एक्स बाई यू, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर लिखो अलोंग वाई एक्सिस, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, वाई एक्सिस में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, इस पर्सन ने यहां खड़े होकर पार्टिकल को सीधा थ्रो किया था, ये नीचे आया है, तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नहीं y में डिस्प्लेसमेंट, x में नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी, ग्राउंड से गया था ग्राउंड पे आ गया, लेकिन अभी तो देखो ग्राउंड पे आ गया लेकिन फेंका था इस हाइट पर से, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी हाइट जो हमने मान ली h, तो s की जगह पुट कर दो h इज इक्वल टू जो स्पीड हमने थ्रो की है, क्या वो, जैसे मान लो इसमें u जीरो वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर,
वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? जब पार्टिकल को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे सीधा फेंका, मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस है ना फर्स्ट के अलोंग, मैंने इस पार्टिकल को बिल्कुल सीधा फेंका है, तो इसकी वाई में स्पीड कितनी होगी? जीरो, क्योंकि पार्टिकल को स्पीड हम पूरी के पूरी एक्स में दे रहे हैं ना, वाई का मतलब हम पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ऊपर थ्रो किया ठीक है, तो वाई हो गया। देखो दो तरह से होगी, एक तो हम पार्टिकल को सीधा फेंके तो स्पीड हम कहाँ पे दे रहे हैं? सिर्फ एक्स में। अगर पार्टिकल को वाई में फेंके तो इस तरह से ऊपर सीधा फेंको तो स्पीड कहाँ पे दी? वाई में। अगर पार्टिकल को एक एंगल पे फेंका तो स्पीड एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? जीरो, तो ये पूरे टर्म जीरो हाफ, ए वाई की जगह जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यूज कर लो, एक्स डिवाइड बाय यू का स्क्वायर, तो यहां से एच इज इक्वल टू जी टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक है, या गया। अब जी भी, जी क्या कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू क्या है उसकी इनिशियल स्पीड जो भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट। तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्केयर। एच कौन सी एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसको एक टाइम पे हम ग्राफ की शेप बताने के लिए वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्केयर। ये कौन से ग्राफ की इक्वेशन होती है? पैराबोला, पैराबोला होगी एक्स स्केयर। अगर एक टर्म फर्स्ट ऑर्डर में है और दूसरी टर्म टू ऑर्डर के अंदर है ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस ठीक है। तो शेप ऑफ ग्राफ हमने निकाल दिया पैराबोला। इसमें बताओ कुछ पूछना है? कर लोगे? देखो सेकंड इसी के अंदर हेडिंग डालो टाइप फर्स्ट में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं तुमसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या, तो तुम क्या बोलोगे? हवा में रहा। हाँ, जितने टाइम तक वो हवा में रहा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। लिखो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रांजेक्ट्री, टाइम टेकन बाय द फ्लाइट टू कंप्लीट इट्स ट्रांजेक्ट्री इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितने टाइम पीरियड तक वो हवा में रहा। तो मान लो इसको रिप्रेजेंट करते हम कैपिटल टी से ठीक है। अब यहाँ पे ना इस पूरे टॉपिक में तुम्हारे दिमाग लगाने लायक सिर्फ एक ही चीज़ है कि तुम एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लोगे या वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लोगे। अब ये देखो वाई के लॉन्ग क्यों लेंगे इसमें, क्योंकि पार्टिकल में मूवमेंट तो फ्लाइट का मतलब क्या, पहले वो यहाँ पे था वाई एक्सिस में और फिर वाई एक्सिस में वो कहाँ पे आ गया? जीरो पे आ गया ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते टाइम हम वाई एक्सिस की इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो लिखो वाई इज इक्वल टू यू जीरो वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई, वाई की जगह तुम हाइट कंसीडर कर लो, जो भी ये टावर बिल्डिंग है एच, उसकी इनिशियल स्पीड थी जीरो,
एक्सेलरेशन था जी, टी की वैल्यू हमें निकालनी है तो टी की जगह पुट कर दो कैपिटल टी, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाई जी रूट टू इज इक्वल टू टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाई जी, तेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सगुन, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पार्टिकल को मैं कितनी हाइट से थ्रो कर रही हूँ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है सिर्फ उसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ना कि उसके मास पे। जैसे देखो, अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लूँ, एक तुमने स्टोन ले लिया, पत्थर ले लिया, ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया, अगर उसको तुम सेम हाइट से थ्रो कर रहे हो, एक ही छत से दोनों को नीचे गिराया, तो उनको नीचे पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। क्या तुमने एक्सपेरिमेंटली इसको बोल सकते हो कि एक पत्थर को और एक कागज के टुकड़े को जमीन, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाई जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज हॉरिजेंटल रेंज हॉरिजेंटल रेंज को हम दिखाते हैं आर से। हॉरिजेंटल रेंज हॉरिजेंटल रेंज लिखो डेफिनेशन। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल From the foot of tower, from the foot of tower to a point, from the foot of tower to a point where the projectile hits the ground is called horizontal range, is called horizontal range। horizontal range बोलते इसको, horizontal मतलब जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और जहाँ जाके उसने ग्राउंड को हिट किया, तो मतलब इतनी रेंज उसने कवर की, इसको हम क्या बोलेंगे, horizontal range बोलेंगे। तो horizontal range के लिए हमें कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, along एक्स एक्सिस लो या वाई एक्सिस, हाँ अलोंग एक्स एक्सिस लिखो, एक्स इज इक्वल टू यू जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एक्स। हॉरिजेंटल रेंज को हम दिखाते कैपिटल आर से, तो एक्स की जगह पुट कर दो आर। इनिशियल स्पीड हॉरिजेंटल के अंदर है यू, ठीक है, सिंपल क्या आएगी, यू कोस थीटा, कहां से आ गया, वो तब होता है अगर हम किसी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड सिर्फ कितनी है, यू, तो यू और टी, और यहां पे कितना आएगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सीलरेशन जीरो। तो यहां से टी के बजाय भी क्या लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ एच डिवाइड बाई जी। ये आ गया हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला, मतलब ये बताने के लिए कि किसी भी पार्टिकल को हम एक टावर के ऊपर से फेंक रहे और ग्राउंड पे जाके कहाँ टच करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी इनिशियल स्पीड पे, टावर की हाइट पे, समझ आया। थर्ड लिखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी
देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अब ये पार्टिकल देखो आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी आ रहा है। अब मेरी एक बात का आंसर देना क्वेश्चन का कि स्टार्टिंग में जब ये बॉडी यहाँ पे थी इसकी वाई एक्सिस में स्पीड कितनी थी? जीरो। लेकिन जो ग्रेविटी है इसको नीचे खींच रही है, मतलब वाई एक्सिस के अंदर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मान लो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे हमने यहाँ मान लिया, यहाँ बताना है कि इसकी एक्स में स्पीड कितनी होगी और वाई में स्पीड कितनी होगी, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट पता है कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ए कोस थीटा, नहीं थीटा क्यों लेके आ रहे हो तुम सब लोग? ये तो देख के लाएगा, देख देख के बोल रहा है। देखो थीटा तब आएगा जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को एक थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे। अब तो थीटा कितना है? जीरो। हम तो सीधा थ्रो कर रहे हैं तो थीटा वाला टॉपिक आगे आएगा। तो ये जो स्कूल में तुम पढ़ चुके हो ना इसके साथ अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है? जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना उसमें थीटा आएगा। तो यहाँ पे इसको ले लो यू एक्स और इसको ले लो यू वाई और इनका जो रिजल्टेंट आ गया ये आ गया इस तरफ, यहाँ पे ये हो गया इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो वही होता है। हाँ थीटा लॉग एक्स एक्सिस, हाँ वही कोस थीटा वाला ही होता तो है। ठीक है लिखो। चलो सबसे पहले अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है? तो कितनी हो जाएगी? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स की जगह हमने ये कितना माना है, रुको, वी एक्स की जगह यहाँ पे स्पीड कितनी मान ली हमने यहाँ तक आते आते? यू एक्स हमने माननी है ना। अगर तुम्हें वी एक्स माननी, इसको वी एक्स मान लो फाइनल स्पीड को, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या नोटेशंस दे रहे हैं। तो इसको हमने यू एक्स मानना है तो तुम यू एक्स करो। इनिशियल कितनी थी इसकी एक्स एक्सिस में? इनिशियल स्पीड कितनी थी एक्स एक्सिस में? इनिशियल स्पीड यू थी, यू, तो यू पुट करो। एक्स एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन कितना है? एक्स एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो। तो यही बात तो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि जब कोई भी पार्टिकल हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लोंग फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल स्पीड उसकी सेम रहेगी इनिशियल जितनी, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे स्पीड को चेंज करने के लिए कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। अब लिखो अलोंग वाई एक्सिस, हाँ तो कितना आ जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू जीरो वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई की जगह यू वाई, इसकी जगह जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में इनिशियल कितना था? जीरो प्लस जी टी। तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? जी टी। मतलब यहां पे अब तुम्हारे पास यू वाई की भी वैल्यू आ गई और यू एक्स की भी वैल्यू आ गई। अब तुम वेक्टर के अंदर ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लो पढ़ सकते हो, पढ़ चुके हो। मतलब दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? हाँ, रिजल्टेंट ऑफ यू एक्स का स्केयर प्लस यू वाई का स्केयर ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई कोस ऑफ, इनके बीच में एंगल कितना बताना यू एक्स और यू वाई में? 90 होगा हमेशा। हाँ ये पूरा कंपोनेंट हो गया जीरो, कोस 90 जीरो होता है तो ये पूरा कंपोनेंट जीरो। तो जो रिजल्टेंट आया यहाँ से वो कितना आया? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर।
हाँ, यू एक्स की जगह यू, यू स्क्वायर, यू वाई की जगह जी टी, मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको तुम रिजल्टेंट वेलोसिटी को कोई भी नाम दे सकते हो आर की बजाय। रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना ये, रिजल्टेंट वेलोसिटी को वी आर बोल दो बेशक से। यहाँ पे हमने ये वी आर निकाल ली, आर छोटा हो गया इसके इंडेक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लिया। तो मेंशन कर दो, अगर तुम्हें वी आर नहीं लिखना तो नीचे मेंशन कर दो आर इज द वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। निकल गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है, मान लो कोई भी प्रोजेक्टाइल को टॉप पर से ग्राउंड में आने में लगते हैं 15 सेकेंड, ठीक है। वो तुमसे पूछ रहा है 7th सेकेंड के ऊपर उसकी स्पीड कितनी है, रिजल्टेंट स्पीड कितनी है 7th सेकेंड में, उसकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग स्पीड कितनी जो पहले थी सेम रहेगी, वाई एक्सिस में कितनी है जी टी निकाल दो 7g, रिजल्टेंट चाहिए 7 सेकेंड में दोनों का तो निकाल दो, पुट करके कर दोगे उसमें फोर्थ इक्वेशन नहीं लगेगी। नहीं, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, ठीक है। अगर फोर्थ इक्वेशन लगाओगे ना, लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग निकालो, एक्स के लिए वाई के लिए अलग निकालो, ठीक है। नेक्स्ट टॉप हेडिंग डालो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अभी तक देखो हमने निकाली कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला कितना आया था, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर इतनी वेलोसिटी निकली ना रिजल्टेंट। अभी हमें बताना है कि जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला हो, क्या करने वाला, ग्राउंड को जस्ट हिट करना चाहता है, बस मतलब टच करने ही वाला है ग्राउंड को, तो इसका मतलब उस टाइम पे टाइम पीरियड कितना हो चुका होगा अप्रोक्स कंप्लीट। ग्राउंड को हिट करने का मतलब क्या, अगर वो शुरू से लेकर जहां से थ्रो किया और हिट करने तक 15 सेकंड का टाइम लेता है तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सेकेंड, क्योंकि 15वीं सेकंड में वो हिट कर गया ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे। हाँ, फाइनल वेलोसिटी निकल रही है ना, फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम भी टोटल लिखना पड़ेगा, तो यू स्केयर जी स्केयर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था, 2h/g, टी का स्केयर है तो इसका अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से जी से एक जी कैंसिल। तो जब वो ग्राउंड को बिल्कुल हिट करने वाली होगी तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच, यू स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एच। जो हिट करने वाली उसकी स्पीड को वी आर डैश मान लो, या तुम्हारी मर्जी जो भी नोटेशन देनी है, ठीक है, कर लोगे। कुछ पूछना है इसमें से, बस एक टॉपिक तो हो गया कंप्लीट, इसमें से पूछो जो पूछना है, अगर उसमें चालीस लग गई तो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजेंटल। मतलब क्या है कि हम ग्राउंड से किसी भी पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ध्यान रखना उसमें तो पार्टिकल को हमने पहले वाले टॉपिक में सीधा थ्रो किया था जिसकी वो अपने आप नीचे चला गया, इसमें हम चाहते पार्टिकल ऊपर जाए बिल्कुल आसमान की तरफ, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद नीचे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने पार्टिकल को थ्रो कर दिया इस तरह से थीटा एंगल पे, और उसकी स्पीड कितनी है, यू स्पीड है,
रिजल्टेंट और टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ना किसी भी उसके ऊपर, जैसे ये है इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट से कैसे क्या निकल जाएगा उसकी डायरेक्शन और वैल्यू स्पीड की। डायरेक्शन इजीली निकल जाती है और डायरेक्शन को भी शो करेगा ये। आगे तो देखो यहाँ पे हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, और फिर वो एक हाइट अटेन करके, मैक्सिमम हाइट अटेन करके कहाँ पे आ जाएगा, वापिस ग्राउंड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कितनी हाइट अटेन की है, कितने टाइम पीरियड में वो अपना पाथ कंप्लीट करेगा, कितनी उसकी हॉरिजेंटल रेंज है, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई शेप ऑफ ग्राफ या शेप ऑफ पाथ, शेप ऑफ ट्रांजेक्ट्री, जो भी तुम्हें बोलना है, शेप ऑफ पाथ या शेप ऑफ ट्रांजेक्ट्री, ट्रांजेक्ट्री की कैसी शेप है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें पता कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे हम, एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली। सबसे पहले यहां से निकाल लो, यू वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना, तो यहाँ पे यू क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और वाई एक्सिस में कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। मतलब यहाँ पे हमने एक वेक्टर बना दिया जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे हम सिंपली पता है क्या बोल रहे हैं, जब किसी भी पार्टिकल को हम एक एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, मान लो उसकी स्पीड है 20, ठीक है, तो उसकी 20 स्पीड में से मे बी 12 की स्पीड से तो वो आगे मूव करे और 8 की स्पीड से वो ऊपर की तरफ मूव करे, तो वो जो टोटल स्पीड है ना, ये वाली टोटल स्पीड, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है और एक कंपोनेंट इसको ऊपर या फिर नीचे लेके जाएगा। फिर समझ में आया, तो मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, इसको मान लो एक्स ही मान लो यू एक्स और इसको मान लो यू वाई, या फिर जैसे बुक में दिया मिलेगा यू जीरो एक्स, यू जीरो रिजल्टेंट है, हाँ ये यू है, ये रिजल्टेंट है, मतलब मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, हाँ टेंजेंट है ना, इस पाथ पे टेंजेंट है, ठीक है, ये पाथ पे टेंजेंट अपने आप बना, हमने नहीं बनाया, ठीक है। हमने जो स्पीड दी वो तो एक्चुअल में ये देखो, ये जो स्पीड है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होती हुई इसको इस तरह से लेकर जा रही है, इसकी एग्जैक्ट रिजल्टेंट स्पीड कितनी थी वो हमने उसको निकालने के लिए रिजल्टेंट और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो लिखो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर हम निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू यू जीरो एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। एक्स के अंदर मान लो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की एक्स ही, यू जीरो एक्स की जगह कितना आएगा यू कोस थीटा, टी एज इट इज, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, एक्सेलरेशन तो कहाँ एक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का वाई के लोंग, तो इसलिए ये वाली टर्म बन गई जीरो। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा, पहले वाले टॉपिक में क्या आई थी एक्स, हाँ एक्स बाई यू, लिखो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस में y इज इक्वल टू यू जीरो वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई की जगह y पुट कर लो, इसकी जगह u साइन थीटा, t की जगह ऊपर से पुट कर लो x डिवाइड बाई यू कोस थीटा, g की जगह क्या, a y की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ए वाई की जगह क्या पुट करो? हाँ माइनस जी। माइनस जी क्यों पुट करेंगे? हमने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस जी। तो यहाँ पे माइनस जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर। तो यहां से वाई किसके इक्वल आ गए? एक्स, यू से यू कैंसिल, टेंजेंट थीटा, और यहां से हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन है ये भी किसकी होती है? सेकंड ऑर्डर पैराबोला की। ये इक्वेशन भी किसके इक्वल होती है? सेकंड ऑर्डर पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कर लोगे? अभी ये शेप निकल गई, फिर वही सारी चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट अटेन निकालनी है। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ए प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई ए प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो किसके इक्वल थी? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। वी स्केयर मतलब फाइनल स्पीड, फाइनल को मान लो वी वाई, इनिशियल को मान लो वाई में होती है ना, जो मैक्सिमम हाइट है वो तो वाई में निकलती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनिशियल स्पीड वाई एक्सिस में। ठीक है, ए वाई की, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेंड को मान लो कैपिटल एच से डिनोट करें, तो एस की जगह हमने पुट कर दिया कैपिटल एच। तो यहाँ से वी वाई फाइनल स्पीड कितनी होगी जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है? जीरो, तो पुट कर दो। और इनिशियल कितनी है? यू साइन थीटा, तो मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ माइनस जी एच। माइनस से माइनस कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। देखो जो न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, मतलब जैसे नीट आईआईटी की तैयारी में रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हमें फॉर्मूले से भी काम चल जाता है, बट ये जो फॉर्मूले होते हैं ना सारे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उसकी वजह से छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसके बजाय तुम ध्यान रखो कि जब भी तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालनी हो ना, कि ये वाली हाइट वो मैक्सिमम कितनी अटेन कर सकता है, उसके लिए तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे अलोंग वाई एक्सिस। तो फॉर्मूले का रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वही है कि उसको अपना पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो निकालो, कैसे निकालोगे? वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ पे निकलेगा? पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ तक फ्लाई किया उसने? वाई में, मैक्सिमम गया वाई में, मिनिमम आ गया, तो मतलब ये इक्वेशन कहाँ पे होगी? वाई एक्सिस में। तो रिप्लेस कर दो एस को वाई से, यू जीरो वाई हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से दिखाते तो स्मॉल टी की जगह पुट कर दो कैपिटल टी। समझ आया? अब
जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से देखो कितना आ गया, पुट करो हाफ ऑफ ए वाई की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, यही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो उसको मैक्सिमम यहां से देखो इधर से चलाए, ओरिजिन से मतलब यहां से एक्स एक्सिस से चला था, ग्राउंड से चला मैक्सिमम हाइट अटेन की, उसके बाद ग्राउंड पे वापस आ गया, डबल हो जाएगा। नहीं डिस यहाँ पे हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट तो, और जो हमारी ये इक्वेशन होती है ना ये एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस ले तो डबल हो गया ऊपर जाने में और फिर से नीचे आने में, लेकिन हमारे फॉर्मूले में ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जब ग्राउंड से गया और ग्राउंड पे ही आ गया जीरो, तो इसकी जगह पुट कर दो जीरो, तो यहां से आ गया यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी से टी कैंसल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी ये आ गया। करिए नेक्स्ट हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके लिए हॉरिजेंटल मतलब कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर यही इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखोगे एक्स एक्सिस में, हॉरिजेंटल रेंज को हम दिखाते हैं आर से, मतलब इस पार्टिकल में हॉरिजेंटल में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए मैक्सिमम आर, तो एस को किससे रिप्लेस कर दिया आर से, तो आर इसकी जगह हाँ यू जीरो एक्स कितना है यू कोस थीटा, ये जो उसने रेंज ट्रैवल की है कितने टाइम पीरियड के अंदर की है, टाइम ऑफ फ्लाइट में ही की है ना, टोटल ओवरऑल जितना उसने टाइम लिया, तो स्मॉल टी की जगह पुट कर दोगे कैपिटल टी, और प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा जीरो, तो इसकी जगह जीरो पुट कर दिया, तो यहां से हमें टी की वैल्यू और पुट कर दो, बताओ टी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, अब टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है, तो यहां से आर किसके इक्वल आ गया यू स्क्वायर हाँ टू साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख देंगे साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, ये क्या निकल गया हमारे पास सिर्फ साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, तो ये निकल गया मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, सॉरी सिर्फ रेंज हॉरिजेंटल रेंज। अब इसी टॉपिक के अंदर निकालो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, ये जो रेंज का हमने फॉर्मूला निकाल दिया ना इसमें वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी कैसे निकालेंगे, जब हम आगे जितना ज्यादा मतलब हम कर्व देंगे उतना ज्यादा वो आगे जाएगा, कर्व ऐसे नहीं बताना है, वैल्यूज भी मिलेंगी यू पे थीटा पे हाइट पे कहाँ पे, तो देखो आर को हमें मैक्सिमम करना है ना, एंगल होगा एंगल पे भी नहीं, एंगल एंगल के अकॉर्डिंग डिक्रीज भी हो सकती है, थीटा बढ़ेगा तो नहीं करेगी, नहीं अगर तू बिल्कुल खड़ा मतलब 90 के करीब पहुंच जाए एंगल को बहुत लार्ज कर दे तो बॉडी बहुत जल्दी नज़दीक गिर जाएगी, और जितना एंगल तो क्या पता बिल्कुल स्मॉल करे तो भी बॉडी नज़दीक गिर जाएगी, स्पीड में तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, कैसे निकालेंगे देखो
आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन टू थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। हाँ 90, ऐसे ही पहुंच जाते हो 90 पे। पहले एक तो यहां से देखो, मैक्सिमम रेंज कब होगा? जब साइन टू थीटा इज इक्वल टू होगा 1, तो 2 थीटा हो गया 90 और थीटा कितना हो गया 45। हाँ तू तो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। तो थीटा कितना हो गया 45। थीटा को 45 पुट कर दो यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम रेंज डिपेंड करेगी सिर्फ U और G पे। अगर 60 कर देंगे तो वो और आगे नहीं जाएगा? नहीं जो मैक्सिमम रेंज है ना वो सिर्फ 45 पे होती है। जो 60 पे रेंज आएगी वही 30 पे रेंज आएगी। क्यों? उसकी वैल्यू तो रूटीन पे। अभी बताऊंगी ये वाली चीज। समझ आए शेफाली? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट लगाओ, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, इसी के अंदर छोटा सा टॉपिक है, तेरे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो रेंज है वो सेम रहनी चाहिए। तो वो ऑप्शन में दो एंगल बताओ जहां पर हमें मैक्सिमम रेंज मिल सके, मतलब कि रेंज मिल सके सेम। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एक रेंज तो ये आ गई, दूसरी साइन, इसको मैं 180 माइनस 2 थीटा कर दूंगी तो क्या आंसर आएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गए ना, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। ठीक है, आ गया? तो यहां से यू स्क्वायर साइन 2 को बाहर ले लो, 90 माइनस थीटा जी। तो एक तरह से ये एक नया एंगल नहीं आ गया, साइन 2 थीटा डैश। तो एक तो एंगल थीटा पे वही रेंज होगी और एक एंगल थीटा डैश पे वही रेंज होगी। और थीटा डैश कैसे निकलेगा? 90 माइनस थीटा, मतलब एक तो आर की वैल्यू, मान लो अगर 30 डिग्री पे वही आ रही है तो दूसरा सेम आर कब आएगा? 90 माइनस 30 60 डिग्री पे, 45 पे इक्वल होते हैं दोनों। हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं 45 पे मैक्सिमम भी होती है। मोंटी बोलता है, मान लिया मैंने। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, जो पहले हमने टॉपिक किया था, एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मान लो यहां पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो यहां पे वेलोसिटी निकालेंगे, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और एक उनका रिजल्टेंट निकलेगा यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? यू एक्स से, तो इसकी जगह लिख दो वी की जगह यू एक्स। इनिशियल कितना है? यू जीरो एक्स, ए एक्स और टी। ठीक है, जो पहले टॉपिक किया था ना बिल्कुल सेम है, यू एक्स इज इक्वल टू यू जीरो एक्स की जगह यू कोस थीटा।
निकल गया। हाँ, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस के अंदर, इसके अंदर पुट कर दो यू वाई, यू जीरो वाई, ए वाई और टी। यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू जीरो वाई की यू साइन थीटा माइनस जी टी माइनस जी टी, ये आ गया यू वाई। अब हमें बताइए इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू डैश से। रिजल्टेंट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू डैश से, ठीक है, एज्यूम कर लो। कैसे निकलेगा, देखो ये रहे दो वेक्टर, एक पॉइंट पे जब दो वेक्टर 90 पे आ तो बस हाँ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई कोस ऑफ 90, कोस 90 है तो जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो, तो यहां से यू डैश निकल जाएगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, यहां से वैल्यू पुट कर दो, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये वाले यू स्क्वायर कोस्केर थीटा और यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, कुछ मत करना, हो गया सॉल्व, यू कोस थीटा और यू वाई और यू एक्स की वैल्यू निकल गई, यहां तक कर सकते हो, उसके बाद इसको थोड़ा सा और इजी बना लो। डायरेक्ट ही बताऊंगी, इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी यू डैश की, सोल्व करोगे आइडेंटिटी वगैरह यूज करोगे, कर लेगी इसे फाली, यहां से इसका माइनस ए माइनस बी है ना, इसका स्केयर खोल के सोल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा यू, हो गया, कर लोगे ये। तो यही था हमारा कंप्लीट टॉपिक।